नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए, आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के टाइप 6 को बताने जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखने के बाद, समझने के बाद आपके लिए ये बेहद ही आसान हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को बार बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो और सेंट्रल लेवल का यानी CGL हो, उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। बार बार रिपीटेड सवाल है, जरूर पढ़ लीजिए और पढ़ के ही जाइए, ताकि आप या एग्जाम में ये छूटे नहीं। क्या है, एक इसी काम को 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? तो बी करता है इसे अकेले 20 दिन में करता है। लेकिन काम दोनों मिल के स्टार्ट किया, परंतु क्या कह रहा है बी, परंतु प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए काम करना बंद कर देता है। 5 दिन तक दोनों काम किया, उसके बाद ए स्टॉप हो जाता है। रेस्ट काम को, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, यही पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए और प्लस बी के 5 दिन का काम, यानी 5 दिन में इतना कितना काम किया ये। 5 दिन का काम बराबर क्या काम किया, तो 5 दिन में यानी 5 लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं 5 लिखेंगे और यहाँ 1/ जो पावर है इसका ये लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, इसी से बनाएंगे। क्या करना पड़ता है, तो 5 लिख दिए, यहाँ पर LCM लिए, LCM कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 10 2 जा, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। ये 5 से कैंसिल होगा, तो कैंसिल भी करेंगे, तो क्या हो गया 3/4। रेस्ट वर्क क्या रह गया, शेष काम क्या रह गया, शेष काम क्या रह गया, 3/4 हो चुका है। तो रेस्ट कैसे निकालते हैं, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप ऐसे माइनस करके निकाल सकते हैं। तो रेस्ट काम कितना हुआ, ऐसे हम लेके निकाल लेंगे 1/4। ये जब ए छोड़ दिया, ए चला गया, तो बच गया कौन, बी। बी ही करेगा रेस्ट वर्क को, तो रेस्ट वर्क 1/4 है। यहाँ बी के क्षमते से डिवाइड कर लेना है, बी 20 डे में करता है, तो ऐसा लिखना है। इसी को हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 20/1, यानी रेस्ट काम 5 डेज में होगा। कितना दिन आंसर हो जाएगा, 5 डेज, ये आपका आंसर। बहुत ही सरल बनता है, अगर आप चाहें तो इसको रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को, बहुत ही आसान और एकदम परफेक्ट है। और ये प्रोसेस ही है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बहुत छोटा बनता है अगर आप लिखिएगा समझ के। तो चलिए इस टाइप का एक और मैथ को देख लेते हैं, ताकि कन्फ्यूजन आपका सारा मिट जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। चलिए आइए हम उसी टाइप के मैथ को लाए हैं, जो कि बिल्कुल ही लगभग सेम है। क्या करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। दोनों मिलके काम स्टार्ट किया, 5 दिन बाद क्या हुआ, अगली बार बी छोड़ देता है काम को, ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। आप अगर इसके पहले वाले मैथ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, वहाँ ए छोड़ रहा था, बी कर रहा था, यहाँ बी कर रहा है, बी बंद कर रहा है, ए करेगा, यही फर्क है। चलिए, हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। क्या सवाल है, ध्यान से देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, दोनों मिलके स्टार्ट किया 5 दिन बाद। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम हमको फर्स्ट में क्या लिखना है, ए प्लस बी का 5 दिन का काम बराबर क्या काम किया 5 दिन में ये दोनों, तो जोड़ेंगे 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 120 लिखेंगे और ये 125 लिखेंगे, ये करना है। तो यहाँ पर LCM लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, LCM लीजिए, 100 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, 5 और 4। अब जो दोनों को एडिशन करके पहले एक बार लिख लीजिए, 5 × 9/100, 5 से 20। रेस्ट वर्क क्या रहा, रेस्ट वर्क क्या रहा, शेष काम, शेष काम कैसे निकालते हैं, तो 1 में माइनस करेंगे टोटल काम में, 9/20 को माइनस करेंगे, निकलेगा 11/20।
ये 11/20 कौन करेगा? यहाँ कौन बंद कर रहा है? बी बंद कर रहा है, कहाँ ए करेगा? ए से क्या करना है यहाँ? ए से केवल डिवाइड करना है, ऐसा ही काम होगा। तो यहाँ पर 11/20 लिखेंगे और 20/1 ये डिवाइड में पलट जाता है, ये कट गया, यानी 11 दिन लगेगा मात्र। शेष काम करने में कितना दिन लगेगा? 11 डे। 11 हमारा ऑप्शन ए नंबर में है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे छोड़कर ना जाए, बिल्कुल समझने का प्रयास करें ताकि आपका एग्जाम सफल हो सके और कुछ नहीं। चलिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह धमाकेदार सवालों के साथ, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं ना कहीं भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बताया जा रहा है। धन्यवाद।